हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय होम गार्डन। और आज हम एक फूल के पेड़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। इस फूल के पेड़ को कैरपी जैस्मिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि मोगरे का फूल, मगर ये अलग प्रजाति के मोगरे का फूल है। इसके फूलों में खुशबू नहीं होती और इसके फूल गुच्छों में खिलते हैं। इसके फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस पेड़ की एक और विशेषता है फ्रेंड्स, जब भी इसकी आप डाली या पत्ते वगैरह तोड़ते हैं तो इसमें से दूध जैसा द्रव्य निकलता है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके पत्तों को तोड़ा है तो इसमें से दूध जैसा द्रव्य निकल रहा है, और ये द्रव्य काफी मीठा होता है, इसीलिए इन पेड़ों पर हमेशा चींटियां लगी रहती है। इसके फूल पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा इसके फूलों को सजाने के लिए माला वगैरह भी बनाया जाता है। ये फूल के पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं और ये काफ़ी झाड़दार भी होते हैं, इसीलिए इन्हें गमलों में नहीं लगाया जाता, इन्हें खुली जगहों पर लगाया जाता है। लोग इन्हें अपने घरों में सजाने के लिए लगाते हैं। आप भी इन्हें अपने घर में या बागीचे में सजाने के लिए लगा सकते हैं, ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके फूल हमेशा इसी तरह गुच्छों में खिलते हैं और इसके फूल 1 से 2 दिन के अंदर ही झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फूल के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।